केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की 24 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी, जिसको लेकर मंगलवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने वर्चुअल बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा कर सुझाव लिए। बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में सभी नेताओं को एकजुट होकर बूथ स्तर पर चुनाव की रणनीति बनाकर चलना है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 24 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक रखी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह के अलावा चारों पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में चुनावी रणनीति के साथ प्रत्याशी को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इसमें अब दिल्ली में बैठक में बातचीत होगी। परंपरा यही रही है कि जो भी पर्यवेक्षक जाते हैं वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स होती है उनको पीसीसी को देते हैं और पीसीसी अपने रिकमेंड लेटर के साथ उसको हाईकमान को भेजता है। लेकिन हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने कुछ आवश्यक समझा होगा, क्योंकि केदारनाथ का चुनाव बड़ा टेक्निकल चुनाव है, उपचुनाव है, और उसको देखते हुए उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा। मैं उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं हूँ, और दिल्ली में क्या चर्चा उस रिपोर्ट पर होती है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे।